हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बजाज के मिक्सर जूसर ग्राइंडर का रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं बॉक्स पर प्रोवाइड किया हुआ डिटेल्स। इसमें दोस्तों 5 ईयर वारंटी आपको मोटर का मिल जाता है, 2 साल फुल प्रोडक्ट का वारंटी मिल जाता है और दोस्तों होम सर्विस इसमें वारंटी रहता है। और दोस्तों यहाँ पर 450 वाट का पावरफुल मोटर इसमें यूज किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इसका लोगो दिया हुआ है डब्बा पे। और दोस्तों डब्बा के साइड में यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का डिटेल मेंशन किया गया है। और दोस्तों इस साइड में यहाँ पर देख सकते हैं इसका MRP दिया हुआ है 4,050 रुपीज इसका MRP दिया हुआ है। और दोस्तों नीचे में आपको कस्टमर केयर का नंबर मिल जाता है, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने इसे अभी अनबॉक्स कर लिया है, चलिए हम इसे डब्बा से बाहर निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने इसे डब्बा से बाहर निकाल लिया है। दोस्तों डब्बा में से एक निकला है वारंटी पेपर और एक यूजर मैनुअल इस प्रकार का दिया गया है। चलिए हम इसको साइड में रखते हैं और मेन चीज़ हमारा ये रहा दोस्तों हमारा जूसर। और यहाँ मिक्सी करने के लिए यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर के लिए 2 जार यहाँ पर आपको मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। और दोस्तों यहाँ पर जूस निकालने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक स्विच मिल जाता है, जिसे आप कंट्रोल करना पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों आपको जूस निकालने के लिए एक मिल जाता है। और दोस्तों इसका इस साइड का लुक देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इसका लुक है। और दोस्तों आपको एक मेन प्लग मिल जाता है, जिसको कि आपको पावर बोर्ड में कनेक्ट करना पड़ता है। चलिए दोस्तों हम इसको खोल के देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से खुल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आप इसको भी ऐसे करके खोल लीजिए और सिंपली से आपको इसको हटा देना है। और दोस्तों अगर आपको मिक्सी करना है तो फिर आपको इसको ऐसे लगाना पड़ता है। और दोस्तों ऐसे लगाकर आप आसानी से इसमें मिक्सी कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें 2 जार मिल जाता है, जो कि दोस्तों एक छोटा जार है और एक काफ़ी बड़ा जार है। दोस्तों इसके जार में आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का जार मिल जाता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी हेवी क्वालिटी का है दोस्तों। और दोस्तों छोटा वाला भी जार आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का इसमें दिया हुआ है। अगर दोस्तों आपको फिर से अगर जूस निकालना है तो सिंपली से आपको फिर से आपको इसको सेट करना पड़ेगा। इसको आपको ऐसे करके दबा देना होता है दोस्तों, इसको आपको बाहर निकाल लेना होता है, जो कि दोस्तों जूस निकालने के जगह पर लगता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको ऐसे करके आपको फिक्स कर लेना होता है। और फिक्स कर लेने के बाद दोस्तों ये जो है यहाँ पर फिक्स हो जाएगा और दोस्तों यहाँ से आपका जूस बाहर निकलेगा और जो भी डस्ट होगा दोस्तों इसमें आके स्टॉक हो जाएगा, आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों इसका बॉडी का क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिए गए हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं। और दोस्तों मिक्सी के नीचे में आपको एक स्विच मिल जाती है, जो कि दोस्तों ओवरलोड स्विच है। ओवरलोड स्विच दोस्तों बात करें इसकी प्राइस की, तो दोस्तों 3,000 रुपीज़ में आपको आसानी से यह रिटेलर शॉप पे देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों आप इसे ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं, ऑनलाइन बाई लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप बाई कर सकते हैं। और दोस्तों अलग अलग लोकेशन के हिसाब से अलग अलग प्राइस में देखने को आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा मिक्सर जूसर ग्राइंडर। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू दोस्तों।